देखिए मैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लगाता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर होता कैसे, सबको पता है या किसी को नहीं पता है तो बोलिए। डिजिटल सिग्नेचर यदि आप लोगों ने देखा नहीं है तो मुझे बताइए। किसी ने नहीं देखा है, ऐसा है डिजिटल सिग्नेचर? नहीं देखा, नहीं देखा भाई? नहीं देखा। देखते हैं गूगल में। मैं यहाँ पे तो हार्ड तो नहीं दिखा सकता, मैं आपको दिखाता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर देखने में प्रिंट ड्राइव जैसे ही, जैसे मैं आपको एक टोकन का दिखाता हूँ, अलग अलग हो सकता है। डिजिटल सिग्नेचर अच्छा अलग अलग होते हैं, मैं आपको एक दिखाता हूँ। यार मेरे पास जो टोकन है वो ऐसा है, ये पासपोर्ट ऐसा मैंने अपने सिस्टम पे लगाया, ये पेन ड्राइव जैसा होता है, दिख रहा है ऐसा पेन ड्राइव जैसा होता है। ऐसे अलग अलग कंपनी के मिलते हैं, ये ई पास का है, ऐसे आपको और भी कंपनी के मिलेंगे, दिखाता हूँ। ये देखो ई टोकन का है, ये कौन सा है? ई टोकन का। ये कौन सा है? प्रॉक्सी की का है। ये देखो ये एम टोकन का, यहाँ पे एम टोकन है, प्रॉक्सी की है, ई पास है, तीन कंपनीज है अलग अलग। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के अवेलेबल है मार्केट, आपको और मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा ही रहता है सेम, आपको जैसा दिख रहा है ना ऐसा ही रहेगा। ऐसे कीचेन लगा के भी मिलता है, ऐसा किचन लगा के भी आपको मिलता है, बहुत सारे लोग अलग अलग आपको देते हैं। और भी देख सकते हैं आप यहाँ पे एम टोकन, ये एम टोकन का, ये समझ आया। तो तीसरी मिलता बार है। पढ़ाई कर रहे थे, जो कोचिंग कर रहे थे, कहाँ कोचिंग कर रहे थे? ये ट्रस्ट की ऐसा मिलता है। तो आजकल के डेट में ये सब टोकन नहीं मिलता, आजकल के डेट में जो टोकन है ज्यादातर जो चलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, पर मार्केट में बहुत कम मिलेगा। ई पास का मिलेगा, नहीं तो एम टोकन ऐसा मिलता है। देखो ये ई पास है, एकदम सेम टू सेम ही है, खाली यहाँ पे एम टोकन निकलता है, ऐसा एम टोकन। और ये प्रॉक्सी की, ये वाला एक ग्रे कलर का, ऐसे तीन टोकन ही मार्केट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये डिजिटल सिग्नेचर, ये डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली नहीं है, ये टोकन है। जब टोकन में हमको डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट डालना होता है, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो सॉफ्ट कॉपी में आता है और ये हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर में कोई भी चीज डालना पड़ेगा, जैसे कि आपको मैंने एक पेन ड्राइव दे दिया और उसमें मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स दिए, तो सॉफ्टवेयर कैसे हो गए? सॉफ्टवेयर मैंने आपको बोला ले लो ये सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर तो कहीं रखना पड़ेगा आपको। रखने के लिए आपको क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर किस लिए यूज करते हो? उसके लिए आपने पेन ड्राइव यूज किया या लैपटॉप यूज किया। सेम यदि आपको डिजिटल सिग्नेचर रखना है, डिजिटल सिग्नेचर, तो उसके लिए हार्डवेयर लगेगा, वो हार्डवेयर होता है ऐसा उसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं टोकन। ये पेन ड्राइव नहीं है, ये टोकन बोलते हैं, पेन ड्राइव जैसा ही है बट टोकन। इसमें स्पेस नहीं रहता, ज्यादा स्टोरेज नहीं रहता, इसमें स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ 3 MB का स्टोरेज होता, 3 MB का, तो स्टोरेज इसमें ज्यादा नहीं रहता। इसके अंदर हम सर्टिफिकेट को डाल सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। तो जब आपको पास जो भी कंपनी का टोकन ड्राइवर को ये होगा, टोकन होगा ऐसा, उसका ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल ड्राइवर कहां से करेंगे आप? तो जाइए कोई भी वेबसाइट, जैसे कि हम फिलहाल चले जाते हैं vSign, vSign रिपोजिटरी, क्या डालना है आपको? vSign रिपोजिटरी। अब यहां से आपको अपडेटेड मिल जाएगा, यहां से आपको अपडेटेड वाला टोकन का ड्राइवर मिल जाएगा। तो यहां से आना है रिपोजिटरी, यहां से मिलेगा आपको जनरल डाउनलोड, और यहां से टोकन का ड्राइवर, ई पास टोकन ड्राइवर, यहां से तो ई पास का, ये डायरेक्ट ई पास का हो गया, ये तो यहाँ पे टोकन ड्राइव। तो किसका चाहिए? ई पास का चाहिए, ई टोकन का चाहिए, सेफ नेट का चाहिए, WD प्रॉक्सी, ट्रस्ट की, जिसका चाहिए आप वहां पे क्लिक कीजिए, आपका टोकन का ड्राइवर डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज आप जब यहाँ पे अपने टोकन को लगाते हैं, मैंने यहाँ पे टोकन को लगाया, टोकन को जब लगाया हूं तो भी मेरे पास देखो एक टोकन का ड्राइवर आ चुका है यहाँ पे, इसके अंदर हमको उसका टोकन का ड्राइवर मिल जाता है यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पर भी ये टोकन का ड्राइवर है, ये टोकन के अंदर है। मैं जैसे इसको निकाल दूंगा ये निकल जाएगा, ये देखो ये USB मैंने निकाल दिया, तो ये निकल गया। ये पेन ड्राइव के टोकन जो है, ये टोकन के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहेंगे तो यहाँ पे जाइए और न्यू विंडो खोलिए, और यहाँ पे ई पास का ये जो सेटअप है, एप्लीकेशन बड़ा 1975 का, इसको इंस्टॉल करेंगे, आपको यहाँ पे दिखना
चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे डालते हैं ई पास, जैसे इंस्टॉल करने के बाद आपको ई पास बोल के क्लिक करेंगे तो आपको ई पास का सेटअप नजर आएगा। इसको लॉग इन करना है। जब आप डीएससी बनाते हैं तो आपको एक पिन देता है, जिसके पास बनाएंगे वो आपको पिन देगा। जनरली हम जो पिन देते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 है। ये मेरे पास भी ये मेरा पिन है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने पिन से लॉगिन किया मेरे पास ये खुल गया। ये डिजिटल सिग्नेचर है, किसके नाम का है तो ये विनय कुमार के। कौन से कंपनी ने बनाया दिया है, ये वर्सियस कंपनी ने मिला जो अभी हमने साइन किया था उस कंपनी ने ये दिया है। ये पास का टोकन है, उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर है विनय कुमार और वर्सियस कंपनी के नाम से। किसके नाम का डिजिटल सिग्नेचर है, विनय कुमार। कौन से कंपनी ने इशू किया तो वर्सियस सीए 2014 ने। कब से कब तक इसका वैलिडिटी पीरियड, 29/3/2021 से लेके 29/3/2023 तक इनका वैलिडिटी है, 2 साल के लिए। ये डिजिटल सिग्नेचर है, ये इसका सीरियल नंबर है, ये इसका सीरियल नंबर, ये इसका कंटेनर है। यहाँ पर भी डिटेल, डिजिटल सिग्नेचर दो टाइप में होता है, एक है इंडिविजुअल और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिजिटल सिग्नेचर किसका है, इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन, कैसे पता चलेगा तो यहां से पता चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, पर्सनल। यदि ऑर्गेनाइजेशन नेम पर्सनल लिखा रहा तो ये डिजिटल सिग्नेचर जो है ये इंडिविजुअल डीएससी। और यहाँ पे यदि पर्सनल में यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, जैसे भगत टेक्नो लिखा रहता तो ये डिजिटल सिग्नेचर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में इनका है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का डीएससी। इंडिविजुअल डीएससी हर एक साइट को चल जाता, सिर्फ और सिर्फ आपके IRPS इंडियन रेलवे को, रेलवे को छोड़ के इंडियन रेलवे में इंडिविजुअल डीएससी नहीं चलता, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का ही डीएससी लगेगा। बाकी महाटेंडर्स वगैरह जितने भी प्रोक्योरमेंट साइड है हर जगह इंडिविजुअल का डीएससी चल जाएगा, तो आप वहां पे इंडिविजुअल का डीएससी भी बना सकते। ऑर्गेनाइजेशन का डीएससी कहीं पर भी चलेगा, उसका कोई नियम नहीं। पहले डिजिटल सिग्नेचर दो टाइप में आते थे, क्लास 2 और क्लास 3। अभी ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 में ही आता है, 2 बंद हो गया। ये क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर, ये पूरा आपको डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। बोलिए कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में तो बताइए। तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। मैंने सिस्टम का सेटिंग देख लिया, डिजिटल सिग्नेचर का ड्राइवर अपडेट कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर को अपडेट भी कर दिया, उसको लॉगिन भी कर दिया। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अपडेट या एनालिसिस टूल्स। तो एनालिसिस टूल्स में जाओ और ये आपके कुछ सेटिंग्स को ये भी एनालाइज कर देता है। देखो यहाँ पे कुछ चीजें बोल रहा है मिसिंग है, मतलब ये आपके सेटिंग्स में कोई पार्ट मिसिंग है। इसको देखो इतने सारे चीजें थोड़े मिस्टेक्स है, इसको खुद बोलो, इसको ही कमांड दे दो रिफेयर करने, तो ये ऑटोमेटिकली जितना हो सकता है उतने चीजों को रिफेयर कर देगा। क्लोज कर दीजिए इसको, ओके कर दीजिए, ओके रिफेयर सक्सेसफुल। अभी एनालिसिस को, तो मैक्सिमम चीजें जितना हो सकता है इसकी इसको रिपेयर कर दीजिए, ये ओके ओके है ना, ये सबको उसने खुद का खुद रिपेयर कर दिया। तो ये आपका कुछ पार्ट को ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर, वो आपको मिलता है एनालिसिस टूल्स, यहां से आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी लॉगिन आईडी बनाया है उसके साथ डीएससी को एनरोलमेंट करेंगे, अटैच करेंगे। कैसे करना है देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ पे हम साइट, कौन से साइट पे हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे देखो एनेबल बोल के आ रहा है प्लगइन, इसको एनेबल कर देना। ये साइड है हमारा PMGSY, ऑटो कंप्लीट जरूरत नहीं है, PMGSY ये साइड है, इसमें हमने लॉगिन आईडी बनाया, तो मैं अभी बनाया था और मैं इसमें डीएससी अटैच कर दूं। मेरा लॉगिन आईडी है pandit0512@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया मैंने, अभी मैं कैप्चा डाल देता हूँ, मैंने कैप्चा डाल,
तो मैं कराता हूँ प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड करूंगा मैं इसके आगे नहीं जा पाऊंगा। और देखो मैंने किससे लॉग इन कर रहा हूँ, पहले मैं क्रोम से किया, रजिस्ट्रेशन भी मैंने क्रोम से किया, सब कुछ क्रोम से करूंगा, पर टेंडर जब भी टेंडर में कोई काम करना है तो मैं क्रोम से काम नहीं, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ गया। अभी यहाँ पे मैं इसके आगे और नहीं जा सकता जब तक मैं डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अटैच नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना पड़े, तो डिजिटल सिग्नेचर लगा हुआ है मेरे सिस्टम पे, वो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरे सिस्टम में मेरा डिजिटल सिग्नेचर लगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, साइन इन सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन, अपडेट, ब्लॉक और लेटर। तो आपको क्या करना है, लेटर अपडेट भी नहीं करना है, ब्लॉक क्लिक। जावा का रन करने का परमिशन मांगेगा, अब इसको रन के लिए परमिशन। आ गया यहाँ पे विनय कुमार, ये डिजिटल सिग्नेचर है ना, तो ये देखो यहाँ पर भी आ चुका है जो कंपनी का है वैसे। तब इसको आपको सिलेक्ट करना डिजिटल सिग्नेचर, इसको ओके। डीएससी इज इनरोलमेंट सक्सेसफुली, मतलब डीएससी मेरा प्रॉपर वे से इनरोल्ड हो चुका। अब इसको क्या करेंगे, ओके ये देखो हो गया। इसका सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसे व्यू कीजिए तो आपको इसका डिजिटल सिग्नेचर का सीरियल नंबर वगैरह पता चल जाएगा। यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह रहता है, ये सीरियल नंबर और मेरा यहाँ का सीरियल नंबर दोनों सेम होना चाहिए पहले का, वो आपको आगे पता चल जाएगा, आपको दिखाता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल, सॉरी। ये आ गया, इसका वैलिडिटी कब से कब तक है ये भी बता दिया। इसको हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक बार ओटीपी आएगा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नहीं आता, तो ओटीपी मुझे एक बार डालना पड़ेगा। दोनों में अभी हम किसी का भी ओटीपी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी का भी या फिर 124 124 561। देखो मेरा ये लॉग इन हो चुका प्रॉपर, लॉगिन हो गया मतलब हमारा सेटिंग ओके है, सब कुछ मेरा प्रॉपर है, इसलिए लॉगिन भी हो गया और डीएससी भी इनरोलमेंट कर दिया। जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे तभी आपको डीएससी इसमें इनरोलमेंट करना है, सेकंड टाइम नहीं। इसको फिर से मैं लॉग आउट कर देता हूं और यहां से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे आपको जावा को रन करना है, लॉगिन का बटन आ गया, मतलब अपना सेटिंग प्रॉपर है। अभी फिर से मुझे अटैच करने के लिए ऑप्शंस नहीं दिया, ये फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम नया आईडी बनाएंगे और नया डीएससी को अटैच करेंगे तभी आपको ऐसा पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे आपको ये सीरियल नंबर और मेरा डीएससी का सीरियल नंबर दोनों सेम होना चाहिए तो ही मेरे पास ये पूछेगा, नहीं तो विनय कुमार के नाम से मेरे पास दूसरा भी डिजिटल सिग्नेचर है, मैंने जो वो डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया यहाँ से मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। अभी इसका सीरियल नंबर देखो C937733 है, तो देखो ये C937733, तो दोनों सीरियल नंबर सेम है तभी ये लॉगिन होगा। अभी मैं इसको लॉगिन करूंगा तो लॉगिन हो जाएगा, मैं डीएससी को निकाल देता हूँ और दूसरा डीएससी लगा देता हूँ। डीएससी को मैं लगा दिया, डीएससी है इसका सीरियल नंबर अलग है। अब मैं इससे लॉगिन करना चाहता, बोलेगा नहीं जो आपने डीएससी निकाला है वो विच इज मैप्ड ऑफ द फॉर द यूजर, मतलब वो डीएससी गलत है, जो इसके साथ मैपिंग हुआ है वही डीएससी लगाओ, दूसरा डीएससी लगाओगे तो काम नहीं करेगा, वही डीएससी चाहिए। तो मुझे ये डीएससी निकालना है और पहले जो डीएससी था वही डीएससी लगाना है जिसको मैप हुआ है, दोनों का सीरियल नंबर सेम होना चाहिए। अभी देखेंगे फिर से, देखो इसको खोला, मैंने वही डीएससी लगा दिया, फिर से डीएससी लगा दिया,
ये 7733 लास्ट में सीरियल नंबर है, 7733 बराबर है, अब मैं इसको लॉगिन करूंगा, ये लॉगिन हो जाएगा। पिन डीएससी का पिन, जब डीएससी लेते हैं तो आपको एक पिन मिलता है, अब ये लॉगिन हो जाए। एकदम सिंपल में क्या मुश्किल आएगी आपको, प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करना पड़ सकता है, क्या क्या टेंडर के टाइम पे लॉगिन होने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो सभी चीजें मैंने अभी आपको क्लियर किया। पहला सेटिंग, और सेटिंग का सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बताया डीएससी, डीएससी कैसे यहाँ पे एनरोलमेंट करते हैं, और फिर बाद में वहाँ पे क्या क्या आपको आगे कभी लॉगिन करते वक्त प्रॉब्लम आ सकता है वो भी मैंने आपको बताया।